अस्सलामु अलैकुम। हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। पिछली वीडियो में मैंने जो आप लोगों को डिज़ाइन बताया था स्केचिंग करने के लिए, वही आज मैं वो डिज़ाइन पेंटिंग करने के लिए बताऊंगी। ये देखिए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, ये सब कलर्स मैंने लिया है। ये लाइट ग्रीन है, और ये ब्लू, डीप ब्लू, और ये ब्राउन, ब्राउन कलर, और ये वाइट, और ये क्रोम येलो, और ये ऑरेंज, और ये ब्रश थ्री फ्लैट ब्रश है, 3 नंबर, 2 नंबर, और ये राउंड ब्रश 1 नंबर, और एक डीप ग्रीन भी ये मैंने लिया है। ये डीप ग्रीन लीफ के लिए। ये देखिए, मैंने फ्लावर में पहले सभी फ्लावर के एक पंखड़ी में मैंने ब्लू कलर लगा दिया है। एक फ्लावर के सारी पंखड़ियों में पहले ब्लू कलर लगा दिया और बीच के हिस्से को छोड़ दिया। ये देखिए, इस तरह से मैं कलर लगा रही हूँ, और ऊपर से वाइट दूंगी। ब्रश को ब्लू कलर देने के बाद मैं उसे धोऊंगी नहीं, उसे सिर्फ कपड़े से पोंछ लूँगी, और वाइट लेकर उसे वाइट पेंट लेकर उसे उसकी पंखड़ी बनाऊंगी, उसी पर चलाऊंगी ब्रश को। देखिए इस तरह से, चूँकि ये डीप कलर है, फैब्रिक मेरा डीप कलर है, रेड कलर, कोई भी डीप कलर के कपड़े पे ज़्यादातर वाइट ही यूज़ होता है, वाइट और लेमन येलो, यानी कि लाइट कलर का पेंट ही यूज़ होता है, ताकि वो आपको अच्छे से कलर दिखे। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये मैंने देखिए इसमें पर्पल कलर यूज़ किया है, और इसी तरह से वाइट कलर इसमें भी मैं लगाऊंगी, इसी तरह से वाइट कलर की पंखड़ी बनाऊंगी, और फिर उसके बाद ऑरेंज कलर से वो एक और फ्लावर बनाऊंगी इसी तरह से। वीडियो को मेरे लाइक कर लीजिए, क्योंकि बहुत एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत जाती है फ्रेंड्स, इसलिए आपकी एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी माने रखता है। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिए, और इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए अपना फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में मैंने बताया था जो वो इस तरह का डिज़ाइन मैंने जो स्केच करके बताया था, और एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, उसमें भी आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। उम्मीद है आगे भी आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा। और ये देखिए, अब मैं इसके बीच के हिस्से को बनाऊंगी, फ्लावर के बीच के हिस्से के गुलाई को मैं क्रोम येलो से फिल करूंगी। ये मैंने देखिए फिल कर लिया, और इसमें मैं ब्राउन कलर को साइड से दूंगी, एक साइड से ब्राउन कलर से सिर्फ हल्का सा लाइनिंग दूंगी, और ब्रश को पोंछ लूँगी, और बीच में भी इसी तरह से थोड़ा सा कलर दूंगी, ब्राउन कलर दूंगी, और हल्का सा नीचे की ओर मिक्स कर लूँगी, और फिर बीच से वाइट कलर का यूज़ करूँगी मैं उसके चारों तरफ बीच से, ताकि ये उठा हुआ देखने में उठा हुआ लगे, इसकी खूबसूरती और उभर कर आए। इसी तरह से ये भी फ्लावर में भी इसी तरह से तीनों फ्लावर में मैं कर लूँगी। देखिए इसी तरह से ब्राउन कलर फिर मैं दूंगी, और बीच में भी इसी तरह से दूंगी।
याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, बाय।